दोस्तों, अगर आप फेसबुक यूजर्स हैं और आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन में या फिर एप्पल के स्मार्टफोन में अपना फेसबुक यूज़ करते हैं फेसबुक ऐप से, तो दोस्तों ये खबर सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि हम जब फेसबुक का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन में करते थे तो होता ये था कि हमें ईमेल डालना पड़ता था अपना और पासवर्ड डालना पड़ता था और सीधा लॉगिन हो जाता था। पर दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगेगा आपके फेसबुक में। जब आप मोबाइल में या फिर स्मार्टफोन में या फिर एप्पल स्मार्टफोन में अपना फेसबुक चलाओगे तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगेगा। आप दोस्तों, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? आप जब भी लॉगिन करोगे फेसबुक में अपने स्मार्टफोन से या एंड्रॉयड से, तो आपका जो ओटीपी है वो आपके मेल में भी जाएगा और आपके जो है स्मार्टफोन का जो नंबर है उसमें भी जाएगा। जो जो नंबर आपने फेसबुक में दिया है उस फोन नंबर में आपको ओटीपी जाएगा और मेल में भी जाएगा ओटीपी। और जब तक आप ओटीपी लगाएंगे तभी ही आपका जो फेसबुक का जो आईडी है वो ओपन होगी, क्योंकि बिना ओटीपी के अब ऐसा नहीं होने वाला। अब हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगेगा आपके फेसबुक प्रोफाइल में। अगर आप स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं फेसबुक को, तो ऐसा होने वाला है। फिलहाल डेस्कटॉप के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि डेस्कटॉप में अभी ये फीचर नहीं आया है। तो फिलहाल देखते हैं कि डेस्कटॉप में भी आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि नहीं होता, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन में फेसबुक यूज़ करते हैं, अपना फेसबुक ऐप यूज़ करते हैं, तो आपका ऑथेंटिकेशन लगेगा, वन टाइम पासवर्ड लगेगा। बिना वन टाइम पासवर्ड के आपका लॉगिन हो ही नहीं आप अपने फेसबुक आईडी में। तो दोस्तों, फेसबुक ने ये नया जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब सभी फेसबुक आईडीज में लगा दिया है और ये लागू भी हो चुका है। ये फेसबुक ने इसलिए किया है क्योंकि आपकी जो आईडी है वो सेफ रहे, और अगर आपकी आईडी हैक भी हो जाती है तब भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगेगा। यानी कि फेसबुक चाहता है कि आपकी जो आईडी है वो सेफ रहे, और ओटीपी जो है आपके मेल में भी आएगा और आपके फ़ोन नंबर में भी आएगा। तो इससे क्या होगा कि फेसबुक को ये मालूम पड़ जाएगा कि ये आपकी ही आईडी है और आपकी जो आईडी है वो हमेशा सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से। तो दोस्तों, अभी लागू कर दिया गया है। और अगर आप फेसबुक का यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन में या फिर अपने एप्पल फ़ोन में यूज़ करते हो, तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आज से ही लगना स्टार्ट हो चुका होगा। क्योंकि दोस्तों, फेसबुक में अपनी आईडी को सेफ रखना ही बहुत ज़रूरी है, और फेसबुक ने ये इसलिए किया ताकि आप अपनी आईडी को सेफ रख सको और ओटीपी से कम ये मालूम पड़ जाए कि आप उसी के आप अपनी खुद की आईडी खोल रहे हो, ताकि कोई और आपकी दूसरी आईडी ना खुल पाए, यानी कोई दूसरा इंसान आपकी आईडी ना खुल पाए। इसी वजह से जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लगाया गया है, ताकि आप अपनी आईडी खुद से ही खोल सको, कोई और दूसरा आपकी आईडी ओपन कभी ना कर पाए। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो, कभी कमेंट चाहते हो कमेंट भी कर सकते हो, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल में बने रहिए।